हेलो क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स, मैथ्स की प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.5 पर डिस्कशन किया था। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 10.6 पर डिस्कशन करेंगे। 10.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेज। मतलब जो आपको ये सब दिए गए हैं इनको आपको डेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मंथ्स। जो भी ये सब दिए गए हैं इनको मंथ्स में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो देखते हैं, पहले हमें कन्वर्जेंस लिख लेनी है कुछ। जैसे वन वीक इक्वल 7 डेज, आप सभी को पता होगा वन वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है। वन ईयर इक्वल 12 मंथ्स, वन ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, चाहे वो लीप ईयर हो या ऑर्डिनरी ईयर हो, दोनों ही ईयर्स में 12 मंथ्स होते हैं। वन लीप ईयर में होते हैं 366 डेज, ठीक है, लीप ईयर। और ऑर्डिनरी ईयर में, वन ऑर्डिनरी ईयर में होते हैं 365 डेज। लीप ईयर आप सभी लोग जानते ही होंगे, हर 4 ईयर्स के बाद आता है लीप ईयर, और वो ईयर लीप ईयर माना जाता है जो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए जो भी ईयर, और रिमाइंडर ना बचे तो वो लीप ईयर होगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 10.6 के फर्स्ट क्वेश्चन पर। दिया गया है कन्वर्ट करना है आपको डेज में 2 ईयर्स और 25 डेज को, ठीक है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए वन ईयर में कितने डेज होते हैं। तो आपको सिर्फ ईयर लिखा है तो आपको ये ऑर्डिनरी ईयर मानना है, लीप ईयर नहीं मानना है। लीप ईयर तभी मानना है जब दिया गया हो कि लीप ईयर। तो वन ईयर में होते हैं 365 डेज, तो 2 ईयर्स में होंगे 2 × 365, और 25 तो ऑलरेडी डेज में है, डे में ही कन्वर्ट करना है, और 25 ऑलरेडी डे में है, तो इनको कन्वर्ट नहीं करेंगे, इनको हम क्या कर देंगे, जो 2 ईयर्स के डेज आएंगे उसके साथ प्लस कर देंगे। तो 2 ईयर्स के डेज निकालने के लिए हमने 2 × 365 किया। 365 का मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि वन ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 2 ईयर में 2 × 365 प्लस कर देंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी डेज में है तो आपका आ जाएगा 730 डेज 2 ईयर्स में प्लस 25, तो पूरा 2 ईयर्स और 25 डेज में आपके हो जाएंगे 755 डेज। इसी तरह आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है 11 वीक्स, इसको डेज में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो वन वीक में डेज पता होने चाहिए 7 डेज। अब वन वीक का पता है तो मैनी का निकालना है, ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लाई करेंगे। 11 का निकालना है तो 11 में मल्टीप्लाई कर देंगे 7 का, तो आपका आ जाएगा 77 डेज। फिर है आपका एफ वाला, वन लीप ईयर 2 वीक्स 2 डेज, तो वन लीप ईयर में तो 366 डेज हो जाएंगे, 2 वीक्स में 14 डेज 2 × 7, और 2 तो ऑलरेडी डे हैं तो इनको प्लस कर देंगे। तो देखिए वन लीप ईयर में 366 डेज और वन वीक में 7 डेज, ठीक है। वन लीप ईयर 2 वीक्स 2 डेज, वन लीप ईयर के लिए वन में 366 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 वीक्स थे तो 7 का मल्टीप्लाई कर दिया 2 में, क्योंकि वन वीक में 7 डेज तो 2 × 7, और 2 ऑलरेडी डेज थे तो 2 को प्लस कर देंगे। तो 366 ये डेज हो गए वन लीप ईयर के, 14 हो गए 2 वीक्स के, और 2 डेज जो ऑलरेडी डेज हैं, तो तीनों को प्लस किया तो 382 डेज हो जाएंगे टोटल, ठीक है। इसके मैंने आपको ए और बी एफ सॉल्व करके दिए हैं। आपको ए बी एफ तो करना ही है, साथ में इसका सी डी ई भी खुद से ही सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे सी वाला क्वेश्चन है, दिया गया है 4 वीक्स 5 डेज, तो 4 वीक के लिए हम क्या कर देंगे, 7 का मल्टीप्लाई, तो 28 हो जाएंगे, और 5 ऑलरेडी डे हैं तो 5 को प्लस कर देंगे, तो 28 प्लस 5 कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने डेज होते हैं। इसी तरह 3 ईयर्स हैं, तो 3 ईयर्स के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 365 का 3 में, 49 ऑलरेडी डेज हैं तो प्लस कर देंगे, जो भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3 × 365 करने पे जो भी आएगा उसमें 49 प्लस कर देंगे। इसी तरह 4 ईयर्स हैं और 17 डेज हैं, 17 ऑलरेडी डेज हैं, इनको बदलने की ज़रूरत नहीं है, बदलेंगे सिर्फ हम 4 ईयर्स को, 4 ईयर्स को बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 365 का मल्टीप्लाई, ठीक है। सिर्फ ईयर लिखा हो तो आपको ऑर्डिनरी ईयर मानना है, 4 × 365 प्लस 17, तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। फिर आपको सेकेंड में करना है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मंथ्स। ये देख लेते हैं, 8 ईयर्स को कन्वर्ट करना है मंथ्स में। वन ईयर में पता है आपको 12 मंथ्स होते हैं, तो 8 ईयर में 12 × 8 तो 96 मंथ्स। इसी तरह
बी वाला 2 ईयर्स 4 मंथ, अब 4 ऑलरेडी मंथ्स में, तो मंथ्स को मंथ्स में कन्वर्ट तो करेंगे नहीं, 4 जो है वो हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो 2 ईयर में हो जाएंगे 2 × 12, क्योंकि 1 ईयर में 12 होते हैं, तो 2 ईयर में 2 × 12, और 4 ऑलरेडी मंथ हैं तो 4, फिर हमारा आ जाएगा 2 × 12 करने पर 24, प्लस बाद में ये 4 प्लस कर देंगे जो 4 ऑलरेडी मंथ्स थे, तो 28 मंथ्स हो जाएंगे। अब दिया है 3 लीप ईयर 6 मंथ्स, अब लीप ईयर हो या ऑर्डिनरी ईयर, मंथ्स तो दोनों में ही 12 होते हैं, तो 1 लीप ईयर इक्वल 12 मंथ्स, तो 3 लीप ईयर इक्वल 3 × 12, ठीक है, प्लस 6 जो ऑलरेडी मंथ्स हैं, फिर इसके बाद 12 × 3 = 36 प्लस ये 6, तो टोटल 42 मंथ्स हमारा आंसर आ गया। इसका ए बी सी मैंने सॉल्व करके दिया है, आपको ये तो करना ही है, साथ में इसका डी ई एफ भी करना है, जो कि देख लेते हैं हम। 1 लीप ईयर 8 मंथ्स, तो 1 लीप ईयर यानी 12 मंथ्स और 8 मंथ्स ये, तो 20 मंथ्स हो जाएंगे टोटल। इसी तरह ये 6 ईयर, 6 ईयर के लिए हम क्या करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और फिर प्लस 1 कर देंगे उसमें, 1 मंथ ये है। इसी तरह ये 10 लीप ईयर, मतलब 10 में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 का, क्योंकि 1 लीप ईयर में 12 मंथ्स, तो 10 लीप ईयर में 10 × 12, ठीक है, फिर आपका 120 आ जाएगा, और 2 मंथ्स तो ऑलरेडी मंथ्स हैं, तो ये 2 प्लस कर देंगे, 122 हो जाएगा। इस तरह से आपको 10.6 पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पर डिस्कशन करेंगे।